स्टार्ट कीजिए। आजकल वैसे गाने बहुत चल रहे हैं, बट आई लव द मेलोडी, इट वॉज यू नो इट टच्ड मी इमीडिएटली एंड आई थॉट दैट आई शुड डेफिनेटली सिंग इट। सो रामजी टोल्ड मी कि इफ यू वांट टू सिंग दिस सॉन्ग एंड आई ट्रूली फेल दैट आई थिंक इट विल सूट माय वॉइस एंड आई शुड गो फॉर इट। सो मैंने बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा, आई थिंक पीपल आर लविंग इट एंड अभी भी यहाँ भी बहुत लोगों ने बोला कि गाना बहुत अच्छा लग रहा है एंड माई पेरेंट्स लव्ड इट। जो मेरे वेल विशर्स हैं जो फॉलो करते हैं सुनते हैं बहुत अच्छा लगा उनका, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। जैसे कि आप सबको पता है ये एक हार्ट ब्रेक का सॉन्ग है, बट वो एक्चुअली साउंड वैसा नहीं करता है, इट इज़ स्टिल सो नाइस एंड पेपी, मतलब बहुत मज़ा आता है सुनने में। इवन दो एक सैड सॉन्ग है, बट वो सैड सॉन्ग वाली फीलिंग नहीं है इस गाने में, यू कैन स्टिल ग्रूव टू इट, ऐसा गाना है ये। एंड ब्यूटिफुली संग बाय राजदीप एंड ब्यूटिफुली शॉट। राम जी इज़ नॉट हियर, बट यू नो ही इज़ डन अ ग्रेट जॉब एंड बहुत ही अच्छा विजुअली भी लग रहा है गाना और सुनने में भी अच्छा तो है ही। सो आई थिंक वी हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग फॉर इट। या सो हमने ये गाना शूट किया पटाया में इन थाईलैंड एंड दैट इज़ अगेन यू नो जब आपको ऐसे पर्क्स मिलते हैं ना काम करते करते कि जब आप घूमने भी जा रहे हो एंड एक अच्छी लोकेशन पे भी शूट कर रहे हो और मज़े भी कर रहे हो तो बहुत मज़ा आता है। सो इट वॉज़ अ वेरी शॉर्ट ट्रिप टू बैंकॉक पटाया थाईलैंड, बट इट वॉज़ फन बिकॉज मुझे आउटडोर शूट करने में वैसे भी बहुत मज़ा आता है एंड लोकेशन आप देख सकते हैं गाने में इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। सो बहुत गर्मी थी वहाँ पे, बट वी एंजॉयड इट। मुझे गर्मी कम लगती है, सो आई वॉज ओके। थैंक यू बहुत टाइम से लोग बोल रहे थे कि हर गाना दुबई दुबई आ रहा है, इस बार हमने चेंज करके पटाया की है और लोकेशन बहुत बहुत अच्छा लोकेशन था इसका, इन्होंने शूटिंग में बहुत एंजॉय किया इन दोनों ने एंड रामजी ने शूट भी बहुत अच्छा किया इस सॉन्ग को। एंड ओवरऑल राजदीप का तो आपको पता ही, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है राजदीप, तो एकदम उसकी वॉइस बहुत बहुत अच्छी वॉइस उसकी एंड सृष्टि भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है सॉन्ग में। लेकिन वो राम जी और हमारी बात हुई थी बीच में कि इस बार लोकेशन चेंज करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली दुबई में ही चल रहा था, तो इस बार थाईलैंड अभी नेक्स्ट में और कुछ और चेंज करेंगे। Yeah, that is it, you know, it's such a good feel-good factor, like, you know, आप बाहर भी जा रहे हो, आपको घूमने का भी मौका मिल जाता है और आपका गाना विजुअली भी इतना अच्छा लगता है। सो when the overall product is nice, like visually and when you hear it, तो I think आपकी मेहनत सफल हो जाती है। सो वो मेहनत के साथ साथ मज़े भी किए हमने एंड द प्रोडक्ट हैज़ ऑल्सो टर्न आउट टू बी सो नाइस, आई एम वेरी हैप्पी। ये गाना अनलाइक द लास्ट
जी सॉन्ग एंड द अदर सॉन्ग्स विद द वाइट फ्लैग इज मोर ब्रीजी इज मोर रोमांटिक करेक्ट यू नो सैड रोमांटिक इज व्हाट यू कैन कॉल इट टेल अस अबाउट दैट फॉर अ चेंज यू नो आई गॉट टू सिंग अ सॉन्ग व्हिच इज लिटिल सैड सैड जोन का गाना है एंड मेरी आवाज में सूट भी करता है ऐसे गाने so I thought I why not sing this and I think we should always experiment the last one was a little romantic you know but honestly you know what even though like I said earlier mm-hmm. even though it's a sad song it sounds doesn't feel so like one. it yes. doesn't feel like a yeah, sad song yeah. and you know unless you go into detail and acha ha aise but you know wo gana sadly bhi itna fun hai Correct. that aap ek acche mood mein Absolutely. ho jate ho you know even though you when you also heard, I want to mention one thing it's been written really well hmm. lyrics jinhone yeah. likha hai moody fine likha hai बहुत ही अच्छा लिखा है द वर्ड्स दैट ही हैज यूज्ड नो चुपके बेवफाई करते थे अभी शरेआम हो गए सच ब्यूटीफुल वर्ड्स एंड आई थिंक जो एक आम आदमी अगर सुनेगा अगर उसका दिल टूटा है तो वो जरूर रिलेट करेगा एंड ही विल रिमेंबर हिज एक्स सो इट्स ब्यूटीफुल रिटन आई मस्ट से हाय ये तो आना ही था सवाल नहीं बट ऑफकोर्स यू नो हमारे लाइफ में सबकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो सीजनल होते हैं सो या वी ऑल बट यू नो लाइक सीजनल होते हैं बट दे आर ऑल्सो फॉर अ रीज़न सब कोई बहुत जो भी हम इंसान इस ज़िंदगी में मिलते हैं वो किसी ना किसी रीज़न के लिए ही आते हैं भले वो हमको कुछ सिखा जाते हैं कुछ छोड़ जाते हैं या हमें कुछ सिखा जाते हैं यू नो सो ऑफकोर्स हमारी सबकी लाइफ में आते हैं मेरी भी लाइफ में ऐसे बहुत लोग आए हैं you know yeah you know from I'm talking about from the journey you know from school to college to colleagues to so many people you are in such good terms with aap itne acche hote ho unke sath ki aisa lagta hai that you know we are going to stick together lifelong and then they're not a part of your life but you know it's okay we learn this is a process and I think all of us go through it so yeah that's about it No, I think we have our own platforms to promote this song on. So I'm going to sing it. I'm going to sing it in my concerts. That is for sure. Yeah, so and, that's going to be that's amazing. A great way to promote. Because yeah, we all go through a heartbreak, you know. ये तो बोलने वाली बात है. But यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, I'm sure आप सभी ने कभी ना कभी ये face किया होगा. सबका दिल टूटा है यहाँ पे यार. जो ना बोल रहा है वो झूठ कह रहा है. सबका दिल टूटा है ना. So I think जितने भी लोग words को सुनेंगे, lyrics को सुनेंगे, वो relate करेंगे कि this is a very layman का गाना यार. मतलब आम आदमी इससे relate करेगा. So हाँ वो तो उस पर तो मैं आने ही वाला था वो तो उसके बिना आप जाने देंगे नहीं मुझे पता है ऑलराइट सो शैल आई सिंग अ फ्यू लाइंस सो आई एम गोइंग टू सिंग द पार्ट आई लव द मोस्ट ओके व्हिच सेज झूठी कसमें खा सकते तरस नहीं खा सकते ये तो वो है जिनको कभी भी आंसू नहीं आ सकते देखे थे कभी जो सपने सारे नीलाम हो गए कभी जान थे जिनकी हम अब अनजान हो गए कभी जान थे जिनकी हम अब अनजान हो गए वाओ थैंक यू मेरा सवाल कुकिंग से जैसे अभी बताया कि थोड़ा अलग यू नो फेस्टिविटी आ रही है थोड़ा सॉफ्ट नंबर एंड ऑफ कोर्स इनेविटेबली हैज देयर ओन स्पेस दादा सुनने की जो बात आती है तो इस बार थोड़ा ट्रांजिशन कैसे कैसे डिसाइड एक्चुअली हमारे पहले के सॉन्ग जो थे पूरे हार्ट ब्रेकिंग ही है मैक्सिमम सॉन्ग हमारे लेकिन ये थोड़ा रोमांटिक हार्ट ब्रेकिंग हो गया इसका फीलिंग आप लोग सब सुने होंगे ऑलरेडी ट्रेंडिंग में ये भी ऑलरेडी 2 लाख चले गया है 3 घंटे ही हुआ उसको सॉन्ग को तो सब लाइक कर रहे हैं सॉन्ग को लोगों का डिमांड्स तो रहता ही है थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग बनाइए थोड़ा उसको लोकेशन चेंज लोगों का था कि लोकेशन चेंज करिए पहले तो आप हमेशा दुबई दुबई करते थे इसलिए आपने लोकेशन चेंज किया उनके लिए वी शॉट सो मेनी सॉन्ग्स इन दुबई यार आई थिंक दुबई इज अ ग्रेट प्लेस टू शूट बट आई थिंक दिस टाइम इट्स गुड दैट वी हैड अ चेंज यू नो थाईलैंड में किया एंड बहुत अच्छे से शूट हुआ वेरी प्लान्ड वेरी सिस्टमैटिक एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम ऑफ कोर्स आई एम गोना कॉल एंड टेल हिम यार हर बार वो नहीं होते यहां पे पिछले गाने भी वो नहीं थे यहां पे यू नो Yeah, exactly. अच्छे लिरिक्स हैं गाने के बहुत अच्छे और ऑब्वियसली राजदीप ने बहुत अच्छा गाया है मैम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं Also, I want to say if you allow that Srishti and I, we go back a long way.
हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है एंड दैट्स व्हाई आई थिंक ऑन स्क्रीन बहुत अच्छा लग रहा है राइट आई ट्राई टू मैच अप टू हर लेवल ऑफ एक्टिंग बिकॉज़ शी इज अ प्रो बट आई मस्ट से दैट यू डिड अ ग्रेट जॉब यार थैंक यू अच्छा लग रहा तारी सुन के इसीलिए उसने मुझे ये बोला सो दैट अरे नहीं अरे नो आई एम किडिंग नो बट ऑनेस्टली इट्स बिकॉज़ आई थिंक वी नो ईच अदर वी हैड अ ग्रेट फ्रेंडशिप इसीलिए आई थिंक ऑन कैमरा ऑन स्क्रीन वो और यू नो खुल के निखर के आ रहा है बाहर सो Not really. I think it was a very comfortable since we know each other and I think we were meeting after so long. Correct. We both wanted it whatever the product to come nice and humne bahut mutually samajh ke and wo comfort level hamara bahut acha tha. So I think wo bahut clearly dikh raha hai video mein and we were not like two strangers doing this song. In fact जहाँ वो शॉट्स आप देख रहे हैं जहाँ पे हम बात कर रहे हैं हम लिटरली इतना मजाक उड़ा रहे थे चीज़ों का एंड यू नो इट वाज जस्ट सो फनी सो कॉन्वर्सेशंस वर आल्सो वेरी फनी और हमने बहुत मस्ती में लाइक लिटरली बहुत मस्ती में पूरा शूट निकाला एवरी टाइम आई वाज ट्राइंग टू गिव एन इंटीमेट शॉट यू नो हग हर एंड ऑल दैट आई वाज फीलिंग लिटिल कॉन्शियस यार दोस्त तो क्या है फिर भी यू नो लाइक जेंटलमैनली अप्रोच एंड शी वाज लाइक नहीं जस्ट फील कंफर्टेबल यू कैन इट्स फॉर द कैमरा एंड ऑल दैट सो आई थिंक ऑल वेरी गोज टू हर for you know making it look so beautiful aap sabhi se ye sawal हाँ आने वाले हमारे बैक टू बैक सॉन्ग्स आने वाले हमारे भी नाइन को एक नया सॉन्ग आने वाला है उसके बाद में नेक्स्ट वीक एक और आने वाला है तो ऑलरेडी हमने चार पांच गाने शूट किए थाईलैंड में तो हाँ तो अभी बैक टू बैक सब आने वाले हैं अभी Another song of mine is going to come, which I don't know कब आ रहा है वो, but वो भी आने वाला है बहुत जल्द. And बस और मेरा काम तो चल ही रहा है, so it's going well. Lot of them, yeah, lot of them. We have around 4 to 5 songs in pipeline. और हर साल, God willing, बहुत सारे गाने आएंगे. रामजी के साथ, with राजेश भाई, with जतिन भाई, we are one family now. So हम लोग मिलते ही रहेंगे यार, बहुत सारे गाने वैदिक रिश्ते तोड़ा गए. कंटिन्यू रहेगा